दोस्तों ट्रैगन टेक में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई एंड आई वेलकम यू टू टेक न्यूज कैप्सूल नंबर 2। आप मैंने जब पहला टेक न्यूज कैप्सूल डाला था बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वी शुड कंटिन्यू दिस और आज से हम हर रोज कोशिश तो जरूर करेंगे एक टेक न्यूज कैप्सूल देने की आपको। ये जो टेक न्यूज कैप्सूल होता है बेसिकली 3-4 मिनट का वीडियो होता है जिसमें जो दिन की सबसे हॉटेस्ट ताजा टेक खबरें होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। आज की बड़ी खबर है मोटोरोला E4 प्लस एंड E4 का लॉन्च। जी हाँ, मोटो जी और मोटो ई ये लॉन्च हुए थे 3 साल पहले, फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था और बहुत पॉपुलर हो गए थे। मोटो के जो फोन्स है जी हो या ई हो, सबसे बड़ा उनका एडवांटेज ये होता है कि उनमें स्टॉक एंड्रॉयड होता है, उनके ऊपर ब्लोटवेयर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ अतिरिक्त ऐप्स नहीं होते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉयड एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा होता है और वही E4 और E4 प्लस में आपको मिलेगा। इनफैक्ट E4 प्लस जो है ये मेटल बॉडी डिजाइन है और उसमें सबसे बड़ी चीज यानी 5000 mAh की बैटरी है, बहुत बड़ी बैटरी है, आपको आराम से 1.5-2 दिन तक चलेगी मॉडरेट यूसेज। अगर आप हेवी यूसेज करते हैं तो 1 दिन आराम से चलेगी, आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक सेकेंड प्लस पॉइंट है E4 प्लस का। E4 में लेकिन 2800 mAh की बैटरी है तो शायद आपको 1 दिन चलेगी अगर आपने आराम से यूज किया तो, लेकिन ज्यादा यूज किया तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा E4। मोटो E4 प्लस जो है वो है 5.5 इंच HD स्क्रीन। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, HD स्क्रीन है, फुल HD होनी चाहिए थी और उसका जो PPI है वो 267 PPI, तो स्क्रीन जो है डिस्प्ले जो है वो एवरेज ही होगा, सन में आप लेके जाएंगे तो आपको ठीक तरह से ज़्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन E4 प्लस 5.5 है और E4 जो है वो 5 इंच स्क्रीन है, अगेन HD स्क्रीन है। E4 प्लस में आता है आपको 3GB 32GB स्टोरेज, 3GB रैम और E4 में आता है आपको 2GB और 16GB स्टोरेज। E4 प्लस का सबसे बड़ा एडवांटेज और एक है और वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। 9999 का प्राइस है E4 प्लस का और E4 का प्राइस है 8999, सो 10,000 और 9,000 का ये प्राइसिंग है। लेकिन ये जो रेंज है 8,000 से 10,000, बहुत सारे फोन्स हैं और बहुत सारे अच्छे फोन्स भी अवेलेबल हैं। हमने पहले एक वीडियो किया हुआ है 10,000 के नीचे के सबसे बेस्ट फोन्स, वो आप जरूर देखिएगा। 5 फोन्स मैंने रिकमेंड किए हैं 10,000 के नीचे वाले, वो जरूर देखिएगा, इधर है वो वीडियो, यू कैन क्लिक एंड चेक इट आउट। दूसरी बड़ी खबर है इस दिन की, गैलेक्सी नोट 8 लॉन्च होने वाला है August 23rd को। ये जो कंपनी एग्जीक्यूटिव है उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन आई जस्ट होप कि गैलेक्सी नोट 7 के जैसा फियास्को ना हो यार, उसका जो बैटरी है वो बर्स्ट ना हो। कसम से बोल रहा हूँ कि सैमसंग ने बहुत ही ध्यान पूर्वक वो बैटरी का उन्होंने काम करना चाहिए। अगर वापस गैलेक्सी नोट 8 में फोन बर्स्टिंग का प्रॉब्लम आ गया तो नोट सीरीज शायद बंद हो जाएगी और मुझे वो अच्छी लगती है। दे आर बिग फोन्स, दे आर स्टर्डी फोन्स, अच्छे फोन्स होते हैं वो, तो ये एक दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर है, लेकिन जो विंडोज फोन यूज करते हैं फोन्स उनके लिए अच्छी नहीं है। विंडोज ने विंडोज फोन 8.1 का सपोर्ट एंड कर दिया है, मतलब उन्होंने कहा है कि बस हम अभी कुछ नहीं करने वाले इसके आगे इसका, तो आप अगर यूज करते हैं विंडोज फोन तो वो आपके ऊपर है, अगर कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विंडोज फोन 10 जो OS है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि विंडोज फोन 10 OS भी बहुत ही जल्दी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एंड करेगा उसका, तो अगर आप विंडोज का फोन इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छी खबर नहीं है, आपने जल्दी से जल्दी एंड्रॉयड पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर iOS आपको अच्छा लगता है तो iOS पे शिफ्ट हो जाइए, लेकिन विंडोज के अभी दिन कुछ ज्यादा बाकी नहीं है। तो ये थी आज की सबसे ताजा हॉट खबरें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए।